नमस्कार, निशा मधुरिमा डॉट कॉम में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है आंवले का तुरंत बनने वाला मीठा अचार। इस अचार को बनाने में 10 से 15 मिनट का ही समय लगता है, लेकिन इस अचार को आप 2 से 3 सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं। इतना अच्छा यह अचार बनता है। आंवला हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसे हमें रोज खाना चाहिए। लेकिन रोज हमें आंवला अवेलेबल नहीं होता है, केवल आंवले की सीजन में ही आंवला मिलता है। इसीलिए अगर हम इसका अचार बनाकर रखते हैं तो हम डेली इस अचार को खा सकते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट और खट्टा मीठा सा अचार बनता है। इस वीडियो में हम आपके साथ इस अचार की सीक्रेट रेसिपी शेयर करेंगे और इसके साथ ही हम आपके साथ इसका परफेक्ट मेजरमेंट और इसे स्टोर करने के सारे टिप्स भी शेयर करने वाले हैं। तो चलिए स्वाद के सफर को आगे बढ़ाते हैं और बनाते हैं हमारी आज की रेसिपी आंवले का तुरंत बनने वाला खट्टा मीठा सा अचार। इसे बनाने के लिए हमने आधा किलो आंवले लिए हैं, उन्हें साफ पानी से धोकर पोंछकर कद्दूकस कर लिया है। एक कप गुड़ लिया है, इसे थोड़ा सा कूट लिया है हमने। आधा कप चीनी ली है, आप चाहे तो डेढ़ कप चीनी या डेढ़ कप गुड़ भी ले सकते हैं। आधा छोटा चम्मच हल्दी ली है, एक बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, आधा छोटा चम्मच काला नमक लिया है, एक बड़ा चम्मच सेंधा नमक लिया है, आप इसकी जगह सादा नमक भी ले सकते हैं, एक छोटा चम्मच कलौंजी ली है, 7-8 लौंग ले ली है, एक चौथाई छोटा चम्मच हींग लिया है, एक छोटा चम्मच जीरा लिया है, एक बड़ा चम्मच सौंफ ली है। इस अचार को पकाने के लिए हमने मोटे तले का एक पतीला लिया है, आप चाहे तो स्टील की कढ़ाई भी ले सकते हैं, लेकिन इस अचार को एल्यूमिनियम की कढ़ाई या फिर लोहे की कढ़ाई में बिल्कुल ना बनाइए। इसमें केमिकल रिएक्शन होता है जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। इसमें ये कद्दूकस किया हुआ आंवला डाल देंगे, अभी इसमें चीनी डाल देंगे, इसमें गुड़ डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप थोड़ा जूसी अचार पसंद करते हैं तो इसमें 1.5 कप गुड़ और 1/2 कप चीनी डाल दीजिए, जिससे इसमें थोड़ा जूस बढ़ जाएगा। इसे अभी हम पकने देंगे, टोटल 10 से 15 मिनट हमें इसे पका लेना है। एकदम धीमी आंच पर इसे पकाना है और इसे लगातार चलाते रहना है, वरना ये तले से जल सकता है। देखिए अभी गुड़ मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है, इसे अभी हमें और पकाना है। अभी 5 मिनट पूरे हो चुके हैं, इसका कलर देखिए, गोल्डन ब्राउन कलर इसका आया है, अच्छे से उबलना स्टार्ट हो चुका है ये, हमें इसे ठीक होने तक पकाना है। अभी 8 मिनट पूरे हो चुके हैं, चाशनी अच्छे से गाढ़ी होना स्टार्ट हो चुका है। इसमें हम मसाले डालेंगे, हींग डाल देंगे, जीरा डाल देंगे, अभी इसमें सौंफ डाल देंगे, अभी इसमें हम काला नमक डालेंगे, लौंग डाल देंगे, लौंग को आप थोड़ा कूट कर भी डाल सकते हैं, अभी हल्दी पाउडर डालेंगे, अभी इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अगर आप तीखा अचार पसंद करते हैं तो थोड़ा लाल मिर्च पाउडर और बढ़ा सकते हैं। इसमें कलौंजी डाल देंगे, अभी हम इसमें सेंधा नमक डालेंगे, नमक आप अपने स्वाद अनुसार थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। इसमें मेथी दाना डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे 7 से 8 मिनट के लिए फिर से पका लेंगे। फिर से 8 मिनट हमने इसे पका लिया है, अभी टोटल 15 मिनट हो चुके हैं इसे पकाते हुए। हम इसकी चाशनी को टेस्ट करेंगे, एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं इसके 1-2 बूंदे। देखिए चाशनी में अभी एक तार बनने लगा है, ये अचार अभी एकदम परफेक्ट पक चुका है। देखिए कितना गाढ़ा बना है ये, इसका कलर बहुत सुंदर आया है, एकदम ट्रांसपेरेंट लग रहा है ये। इसमें अगर ज़रा भी पानी रहेगा तो ये अचार को हम स्टोर नहीं कर सकेंगे, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि काफ़ी गाढ़ा होना चाहिए। जैसे ये अचार ठंडा होगा ये और भी गाढ़ा होगा। अभी हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी ये अचार थोड़ा ठंडा हो चुका है, इसे हम सर्विंग बाउल में निकालेंगे। बहुत अच्छा और टेस्टी अचार बना है, एकदम जूसी ये लग रहा है। लीजिए बनके तैयार है आंवले का खट्टा मीठा तुरंत बनने वाला अचार। आप इस अचार को ज़रूर बनाकर देखिए, बहुत स्वादिष्ट ये अचार बनता है। और आपका अचार कैसे बना है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अब ये अचार अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, इसे हमने कांच के एयरटाइट कंटेनर में भर लिया है। अचार को भरते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अचार का कंटेनर पूरी तरह से सूखा हुआ हो और एकदम साफ हो। जब भी आप अचार निकालें किसी साफ सुथरे सूखे चम्मच से ही अचार को निकालें और इसे हमेशा साफ सुथरी जगह पर ही रखें और इस कंटेनर को हमेशा साफ करते रहें। अचार के कंटेनर की हम जितनी
ज़्यादा देखभाल करेंगे उतना ही हमारा अचार अच्छा रहेगा। इन बातों का ध्यान रखकर आप भी अपने अचार को 2-3 सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस चटपटे अचार की रेसिपी को शेयर कीजिए। इसी तरह से मज़ेदार और चटपटी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में जो बेल का बटन दिया है उसे भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल पाए। आप हमारी अभी तक की सारी रेसिपीज़ को हमारी वेबसाइट nishamadhurima.com पर विजिट करके भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि हमारी आंवला स्पेशल रेसिपीज़ की सीरीज चल रही है। अगर आप हमारी सारी रेसिपीज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई आंवला स्पेशल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।